हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्पलाइन आरके में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से आपके लिए लेके आ गया हूँ भाई। आज की वीडियो में मैं बताता हूँ कि कई लोग क्या है, यूट्यूब पे खूब मेहनत कर रहे हैं, एक दिन में 3 से 4 वीडियो शॉर्ट वीडियो जो है अपलोड कर रहे हैं, और अच्छे से अच्छी एडिटिंग करके, और आप 3 से 4 शॉर्ट वीडियो जो है अपलोड कर रहे हो डेली, पर उन पे क्या है, रेगुलर व्यू नहीं आ रहे हैं। तो गाइस, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो आपका चैनल जो है यूट्यूब ने फ्रीज कर दिया है। और वो किस कारण किया है, वो मैं आज की इस वीडियो में बताऊंगा, और मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा कि किस प्रकार जो है आप अपने जो आपका जो यूट्यूब चैनल जो फ्रीज हुआ है उसको कैसे अनफ्रीज कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ साथ नॉलेजेबल होने वाली है। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को ऑल पे सेट करें, ताकि हमारी कोई भी अगली न्यू नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे और मैं आपकी सबसे पहले मदद कर सकूं। तो गाइस, ज्यादा टाइम आपको बर्बाद नहीं करते हुए मैं वीडियो की ओर बढ़ता हूं, और वीडियो में मैं आपको बताता हूं गाइस कि आपने सबसे पहले क्या करना है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यूट्यूब चैनल फ्रीज होता क्यों है, आपकी कुछ गलतियां होती है जिनके कारण जो है यूट्यूब आपका चैनल फ्रीज कर देता है, वो क्या क्या होती है। वो गाइस, सबसे पहली गलती तो ये होती है कि आप अपनी रेगुलर वीडियो अपलोड कर रहे हो, सबसे अच्छी बात है, बट कई बार क्या है कि आप किसी की, जैसे किसी और की अपलोड की हुई फेसबुक या इंस्टाग्राम से वीडियो अपलोड डाउनलोड की अपने मोबाइल में, और थोड़ी बहुत एडिटिंग की उसके अंदर और अपलोड कर दी, तो भाई यूट्यूब का जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, यूट्यूब का एक एल्गोरिथम होता है, यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता लग जाएगा कि भाई ये इसने किसी का कंटेंट कॉपी किया है या रीयूज कंटेंट है, तो उसको यूट्यूब जो है आगे वायरल नहीं करता है। तो वायरल नहीं होने के कारण आपकी जो आपका जो चैनल है इस प्रकार करेंगे तो आपका चैनल जो है फ्रीज हो जाता है। तो गाइस, दूसरी गलती की ओर आपकी मैं बढ़ता हूँ, और दूसरी गलती में मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या करते हैं जिसके कारण आपका जो चैनल है फ्रीज हो जाता है। तो भाई, आप क्या करते हैं, अपनी वीडियो अपलोड की और अपलोड करते ही गाइस आपके मोबाइल में आपने क्या है 8-10 जो ईमेल बना रखी हैं, वो क्या करते हैं, आप मेन चैनल को लॉग आउट किया, मतलब उस चैनल उस वाली जीमेल को चेंज करके, और दूसरी वाली ईमेल जो है उनसे वीडियो वॉच करते हैं। तो गाइस, यूट्यूब को पता लग जाता है एल्गोरिथम के हिसाब से कि भाई ये लोकेशन एक ही है और बंदा एक ही मोबाइल से अलग अलग जीमेल से अपनी वीडियो देख रहा है, तो इस प्रकार यूट्यूब को पता लग जाता है, और यूट्यूब क्या है आपकी जो वीडियो है उसको आगे पहुंचाना बंद कर देता है, प्रमोशन करना बंद कर देता है, और आपके चैनल को जो है फ्रीज कर देता है। ये गलती आपको नहीं करनी। तो भैया, अब तीसरी गलती की ओर बढ़ते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि आप तीसरी गलती क्या करते हैं जिसके कारण आपका यूट्यूब जो है आपका चैनल फ्रीज कर देता है। तो गाइस, आप क्या करते हैं, आप कई लोग जो है 2 मोबाइल रखते हैं, इस गलती के कारण जो मैंने पहली बताई कि अलग अलग जीमेल से देखते हैं, कई बार इससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं 2 मोबाइल रखते हैं, एक में मेन चैनल चल रहा है, दूसरे में आपकी 7-8 जीमेल चल रही है, बट क्या है कि रिचार्ज जो है आपके मेन मोबाइल के अंदर ही होता है। आप क्या करें हैं, अपनी वीडियो मेन चैनल से अपलोड की और दूसरे मोबाइल के अंदर हॉटस्पॉट लेके या कहीं से भी, मतलब एक ही लोकेशन पर बैठे बैठे आप एक ही लोकेशन से अगर वीडियो को वॉच कर रहे हैं, अलग अलग जीमेल से वॉच कर रहे हैं, तो गाइस यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से यूट्यूब को जो है पता लग जाता है। तो यूट्यूब क्या करता है, इस कंडीशन में भी आपका चैनल जो है फ्रीज कर देता है। और चौथी कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जैसा कि आप क्या करते हैं 1 महीने 2 महीने काम करते हैं यूट्यूब पे, और उसके बाद आपका क्या है सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, सब्सक्राइबर वही 50-60 या 100 सब्सक्राइबर होते हैं। तो भाई, आप क्या करते हैं, आप सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए अदर वेबसाइट या एप्लीकेशंस के अंदर अपने चैनल को लॉगिन कर लेते हैं, और लॉगिन करके क्या है अपने सब्सक्राइबर जो है इंक्रीज कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपने अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए किसी एप्लीकेशन में या किसी वेबसाइट के अंदर आपके चैनल को जो है ओपन नहीं करना है, लॉगिन नहीं करना है। अगर आप इस तरह से बढ़ाते हैं सब्सक्राइबर, तो यूट्यूब आपके चैनल को फ्रीज कर देगा और डेड कर देगा। डेड करने के बाद कोई कंडीशन नहीं होती है कि आपका चैनल जो है अभी फिर से ग्रो करेगा या फिर चलेगा, वो चैनल आपका बेकार हो जाएगा। तो जी हाँ गाइस, मैंने आपको 3-4 टॉपिक बताए हैं, ये गलतियां आपने नहीं करनी है। अगर आपको चैनल फ्रीज होने से बचाना है तो आप ये गलती कभी ना करें, अपनी वीडियो को रेगुलर अपलोड करते रहें, रूटीन से अपलोड करें। रूटीन से अपलोड करोगे तो आपका चैनल जरूर जो है मोनेटाइज हो जाएगा और ग्रो में आएगा, क्योंकि यूट्यूब जो है एक अपने कह लेते हैं किस्मत के हिसाब से ही चलता है, क्योंकि किस्मत भी एक जैसे नहीं चलती है और यूट्यूब चैनल भी एक जैसा नहीं चलता है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है कभी डाउन आएगा कभी अप जाएगा। तो भाई, आपकी अगर मान लो भी एक ही वीडियो अगर चल जाती है आपकी, तो आपका चैनल जो है मोनेटाइज हो जाएगा। तो इसके लिए आपने ये ऐसे काम नहीं करने हैं, ऐसी गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है, और अपनी रेगुलर मेहनत जारी रखनी है जिससे आपका चैनल फ्रीज ना हो और जल्दी से जल्दी ग्रो हो और मोनेटाइज हो जाए। तो गाइस, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमारी वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ।